के बड़वानी में मुझे चढ़ गया भगवा रंग की सुपरस्टार सिंगर शहनाज अख्तर ने दी सेनवा में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। काफी जनसंख्या में लोग रहे मौजूद। देश की सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर जिन्होंने मुझे चढ़ गया भगवा रंग की प्रस्तुति से पूरे देश में अपने संगीत का लोहा मनवाया, उन्हीं का स्वागत करते हुए दारू गोदाम दिनेशगंज में संजय यादव मित्र मंडल के द्वारा 20 सितंबर की रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुषों ने संगीत संध्या का आनंद लिया। जैसा कि आप सभी दर्शकों को हम बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सुप्रसिद्ध गायिका आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनका जो कहे जाए कि परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने देश दुनिया में नाम के साथ में पूरे इंडिया में नहीं बल्कि भारतवर्ष के अलावा पूरे विदेशों तक में भी एक अपना झंडा फहराया है। और आज हम उनसे कुछ प्रमुख चुनिंदा सवाल जो उनसे पूछने जा रहे हैं उनमें आइए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे आदरणीय आप सभी की चहेती सुश्री शहनाज अख्तर जी हमारे बीच में मौजूद है। तो शहनाज जी बताइए कि आपने जो से शुरुआत जो की है, मतलब कि अपने भजन गायकी की, वो शुरुआत कौन से एल्बम के साथ की? मेरे द्वारा बनाया हुआ सबसे पहला एल्बम है माँ से लगने लगी, जिसमें मैंने आठ देवी गीत गाई थी। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे वहाँ जबलपुर में गवाया गया उन्होंने माने। अच्छा, जी। अच्छा, उसके बाद में दूसरा कोई एल्बम से हुआ? उसके बाद दूसरा एल्बम ऐसा है कि जिसने मुझे पहचान दिलाई, मैया पाँव भजनी है, उसको सभी जानते हैं। अच्छा, वो इतना बजा कि घर घर में जा जाकर उसने मुक्ति की लहर चलाई। अच्छा अच्छा। उसके बाद अभी तक की जो कहे जाए कि आपकी लाइफ में ये कितना साल हो गया आपको गाय हुए इस गायकी की लाइन में? जी मुझे 10 से 15 साल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। कितने एल्बम आपके रिलीज हुए? कम से कम 5000 से ज़्यादा एल्बम तो आगे होंगे। जी जी। अच्छा अच्छा। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट सबसे ज़्यादा कौन सा एल्बम रहा है? मेरे दो भजन बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। सबसे पहले आनंद की तुझे नहीं आई होगा, जो माता शारदा माता के लिए मैंने गाया था। अच्छा। उसके बाद मेरी बहन की छोटा रोल लाए और अभी लेटेस्ट है भगवा रंग। जी जी। उसके बाद की कोई और एल्बम की कोई तैयारी आपकी चल रही है शूटिंग? अभी मैंने बिल्कुल लेटेस्ट भजन बनाया है उज्जैन के महाकाल। जी। और एक टाइटल अभी बिल्कुल अभी गणेश जी में डाला है हमने, लालबाग की राजा। अच्छा अच्छा। लालबाग की। राजस्थान के ढोलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में आज हुए दो अलग अलग हादसों में एक महिला सहित चार लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पहली घटना गुलाबबाग रोड पर भार्गव वाटिका के पास हुई, जहां तीन युवक बाइक पर सवार होकर गुलाबबाग की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से एक ट्रक रिवर्स कर रहा था। इसी दौरान बाइक ट्रक में घुस गई और बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना थाना इलाके के राजाखेड़ा आरओबी के पास की है, जहां एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मिडवे के पास रहने वाले अशोक शर्मा अपनी पत्नी मधु के साथ ढोलपुर से राजाखेड़ा की तरफ जा रहे थे, तभी एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दंपति घायल हो गए। इस दुर्घटना में पत्नी मधु को अधिक चोट आई है। घटना के बाद दोनों घायलों को भी जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ दो हादसों में घायल हुए चारों का इलाज जारी है। राजस्थान के ढोलपुर कोतवाली थाना इलाके के लोहारे गांव में एक विवाहिता की संगीत परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ निवासी मृदिका कुमकुम की शादी लोहारे गांव के रहने वाले युवक राम किशोर से 2 वर्ष पूर्व हुई थी। बताया जा रहा है कि आज महिला ने अपने ही घर में आग लगा ली, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद ससुराल वाले उसे उपचार के लिए ग्वालियर ले जा रहे थे, तभी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसके बाद ससुराल वाले उसे जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में ले आए। मामले की जानकारी के बाद मृतिका के परिजन भी मौके पर पहुंचे। पहले तो दोनों पक्षों में हल्की सी कहासुनी हुई, लेकिन बाद में समझाइश के बाद मामला शांत करा दिया गया। वहीं सूचना के बाद महिला थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन परिजनों की ओर से कोई भी शिकायत नहीं दिए जाने के चलते मामला दर्ज नहीं हुआ। वहीं पुलिस महिला के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवा रही है।
भाजपा के उज्जैन दक्षिण विधायक मोहन यादव ने भोपाल में एक चौंकाने वाला बयान देकर पूरी पार्टी को एक बार फिर से निशाने पर ला दिया है। मोहन यादव ने आरक्षण आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताते हुए कहा है कि इस आंदोलन में सिमी आईएसआई जैसे संगठन फंडिंग कर रहे हैं ताकि देश खंड खंड हो सके। यादव ने कहा कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए सिलिकॉन वैली से भी फंडिंग की जा रही है। मोहन यादव के इस बयान के बाद भोपाल में सपक्ष और अन्य संगठनों ने मोहन यादव के पुतले जला दिए और भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। भाजपा ने मोहन यादव के बयान से किनारा करते हुए इसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया है, लेकिन मोहन यादव अपने बयान पर अड़िग है और स्पष्ट रूप से आंदोलन को सिमी और आईएसआई की साजिश करार दे रहे हैं। बता दें कि आरक्षण को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश में जगह जगह मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और पथराव तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे भाजपा पहले से ही हाशिए पर है। और ऐसे में मोहन यादव का यह बयान आग में घी का काम कर रहा है, जिसकी लपेट में पूरा भाजपा सरकार आ गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर पार्टी नेता क्या कार्रवाई करते हैं। जवान की गर्दन काट के उसकी आंखें निकाल के देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान ने जिस ढंग की उसकी हरकतें की है, हम उसको समय आने पर माननीय मोदी जी की सरकार जवाब भी देगी। और हमने देखा कि कई साल से वो इसी प्रकार की हरकत करते, सामने आमने युद्ध कर नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो इस टाइप का नाटक लाते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इसका माकूल जवाब भी मिलेगा और भविष्य की दृष्टि से इससे सबक भी लेंगे कि हम अपने आने वाले समय में और इस समय क्या क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें ताकि इस टाइप की बातें आएँ। एक विषय और चला है, मेरी जानकारी में आया है कि कहीं किसी ने कहा कि करणी सेना या किसी के संबंध में मैंने कहा कि मैं इसके पीछे विदेशी फंड देखता हूं, ये नितांत झूठ बात है। मैंने शुरू दिन से कहा कि सभी समाज हमारे हैं, सभी समाजों को साथ लेके चलते हैं और कभी जीवन में मैं पसंद नहीं करता हूं आपस में वर्ग संघर्ष हो। और रही बात ये कि मैं इस संदर्भ में एक बात हमने बहुत दिन पहले कही थी कि 1857 में अगर देश गुलाम हुआ तो अंग्रेजों की षड्यंत्रों के कारण से हुआ था, वो उनने बड़ा फंडिंग किया है और वो सदैव कोशिश करते सब समाज लड़े आपस में। सिमी का भी नाम उसमें आ गया। मैंने कहा कि सिमी सहित विदेशी सारे षड्यंत्र के पैसे होने कहाँ से आते हैं? ये चाहते कि भारत के लोग लड़ेंगे तब तक वो उनका मतलब कैसे हल होगा, यही एक विषय है ना। राजस्थान के बोली में बामनवास विधानसभा क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आज उपखंड मुख्यालय बोली पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के तीनों घटक RRDS, PEO, VDO द्वारा 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। संघ के मुताबिक शासन और संगठन के मध्य विगत 3 वर्षों में 9 बार हुए समझौते के बावजूद भी संगठन के पक्ष में कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया। मामले को लेकर आज विधायक कुंजीलाल मीना को प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंप कर आदेश प्रसारित करने की मांग की गई। विधायक कुंजीलाल मीना ने भी मामले को शीघ्र सुलझाने को लेकर मुख्यमंत्री से अभिशंसा की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमत दीक्षित ने आश्वासन दिया है कि वह मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। अधिकार से मांगों पर सहमति अनुसार आज दिनांक तक कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया है। पंचायत समिति बोली के सभी कार्यकर्ता एक साथ जुट होकर बोली ग्राम पंचायत कार्यालय पहुँचे व ज्ञापन दिया। कर्मचारी जन है, इनकी जो इनकी मांग है, पहले कई बार मंत्री जी से इनकी वार्ता भी हुई है और ये चीज़ सरकार तक पहुंची हुई है और सरकार जो भी इनका जो इनकी मांगे हैं वो जो मांगे हैं इनकी हमारी सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। उसमें हमारी सरकार तक इनकी जो भी मांगे हैं वो पहुंचवाने का हम काम करेंगे। आपकी आवाज़ मांगी वाजिब है, लेकिन आज तक उस समझौते को लागू नहीं किया। ऐसी स्थिति में पूरे राजस्थान में 12,000 कर्मचारी नौ दिन से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मदद नहीं की। इसके बाद में हमारी यह अपेक्षा है कि हमारा जो वाजिब मांग पत्र है ये सक्षम अधिकार तक पहुंचाया जाए, जो हमारी मांग को मानी जाए, है मुख्यमंत्री महोदय तक, चीफ सेक्रेटरी तक। ये मांग वाजिब है, पूरे राजस्थान में कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है,